हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है, यहां पे आप देख पाओगे, जैसे मेरा शीट मेटल होती है, शीट मेटल में कोई भी कटिंग ऑपरेशन होती है, और कटिंग ऑपरेशन में क्या आती है, आपकी बार आती है। तो ये जो बार आती है, इसकी बार का हाइट का कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है, और कितना परसेंट यहाँ पे बार मिनिमम एक्सेप्टेबल होती है, और जो बार होती है, हम बार को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कितना परसेंट होता सही है, होना सही है, इसकी प्रॉपर जो है आज कैलकुलेशन बताने वाला हूं। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। जो क्लियरेंस है, जितने कोई भी बार लेते हैं, हम बार में कितना क्लियरेंस होते हैं, उसके लिए मैं अलग सा पूरा वीडियो बना रखा हूं। आप देख पाओगे यहाँ पे पूरा जो है, मैं यहाँ पे 20 मिनट का वीडियो बना रखा हूं, आप जाके इसमें देख सकते हो प्रैक्टिकली डिजाइन पे कितना रखना है, मैं बना रखा हूं। यहाँ पे आप टूल देख पा रहे हो, कंप्लीट टूल का मैं बना रखा हूं, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। जो ये वाला जो मेरा जो पीपीटी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा बार की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना परसेंट होना चाहिए, कैसे हम इसको निकालेंगे, इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बार क्या होता है। मैंने बहुत देखा है कि दोस्तों जो से बार कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो स्टूडेंट मुझे बोलते हैं या मुझे कंपनी में ये बोलता है कि सर देखो, ये कॉम्पोनेंट में लूज बार आ रहा है, इस कॉम्पोनेंट में टाइट बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर टॉलरेंस वगैरह डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बार बार आपकी डाई में जो होगा रिओर फूटे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे पहले कैसे होता है। तो सबसे पहले पता करते हैं बार होता क्या है। देखिए, बार का अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको, तो बार इज द फॉर्मेशन ऑफ रफ एजेस और राइजेस ऑन द शीट मेटल पीसेस आफ्टर ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन के बाद, जैसे बार देख पा रहे यहाँ पे साइड में क्या आ रही है आपकी, एक रफ एजेस बन के आ रही है, इसको हम बोलते हैं बार, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप कोई भी कटिंग ऑपरेशन करते हो, कोई भी आप कटिंग ऑपरेशन करते हो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, साइड में आपके जैसे पंचिंग वगैरह होती है या ब्लैंकिंग होती है, साइड में थोड़ा सा बार आ जाती है। अब ये बार कितना परसेंट एक्सेप्टेबल है, अगर इंडस्ट्री में बात करूं तो यहाँ पे 10% जो बार होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। अब बार को समझने से पहले इसकी फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, ये जो फॉर्मेशन होता है किस तरीके से होता है, मतलब इसमें क्या क्या जोन होता है एक शीट मेटल के कटिंग ऑपरेशन में। तो सबसे पहला जो जोन होता है, ये होता है रोल ओवर जोन, ठीक है। इसको जो बोलते हैं सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं रोल ओवर जोन, ठीक है। यहाँ पे आपकी शेयरिंग होती है। तो सेकंड वाली जो आपकी एज है, जो सेकंड वाली आपकी जोन है, इसको बोलते हैं हम शेयर जोन, इसमें शेयरिंग ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से होता है, सबसे बड़ा जोन होता है ये वाला। उसके बाद होता है फ्रैक्चर जोन, जहां से मेटेरियल फ्रैक्चर होता है, मतलब कटना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्चर जोन। अब जब लास्ट में आता है, जब फ्रैक्चर के नीचे होते हैं, इसको हम बोलते हैं बार जोन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बार को मिनिमाइज करना है, एक एक्सेप्टेबल कंडीशन के अंदर रखना है कि मुझे इतना परसेंट ही चलाना है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन पे हम जाते हैं। देखो, बार जो होती है ना, इसको हम आपको मैंने बता दिया कि 10% लेते हैं थिकनेस की, ठीक है। तो थिकनेस होती है इसकी, हमको 10% जो है मेंटेन करना होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं आपको, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बना के समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है, थिकनेस ऑफ द शीट बाई बार विथ थिकनेस ऑफ द शीट, ठीक है। तो थिकनेस बार के साथ जितना थिकनेस होगा और आपका जो शीट के थिकनेस होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, इसको हम निकालेंगे परसेंटेज में। तो सबसे पहले कोई भी, देखो कोई भी शीट थिकनेस होता है, जैसे मान लीजिए इसका 2 mm का थिकनेस है, ठीक है। यहाँ पे मेरा शीट ऑफ थिकनेस आ गया। अब जो मेरा बार का हाइट थिकनेस के साथ जो मेरा बार का हाइट आ रहा है, वो 2.2 mm आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.2 mm आ रहा है, क्या ये एक्सेप्टेबल है। देखो, एक होता है आपको फॉर्मूला से करके निकालना, और लास्ट में जो मैं आपको पीडीएफ है उसमें बताऊंगा कि आपको बिना देखे ही कर सकते हो, कि इतना हो तो चल जाएगा, आपको बिना देखे कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको इसके साथ जो एसएम स्टैंडर्ड है, वो भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा आपको लास्ट में, वो भी चीजें भी बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या बनाना है, परसेंटेज से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 2 को 2.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम 100 से कट देते हैं, तो आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, तो ये बन के आ जाएगा आपका 90.90 बन के आ जाएगा। तो मैंने आपको कितना बताया था कि 10% होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 100 में से, अगर हम 100 में से माइनस कर देते हैं 90.90, तो कितना बन के आता है, यहाँ पे बन के आता है 9.09। मतलब मैंने आपको इतना परसेंटेज आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल क्यों है, ये एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 10% आपको मेंटेन रखना होता है। तो 10% अगर ये 9.9 के जगह 11% होता है, तो ये नहीं चलता, समझ में आ गए। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी एक मान लो मेरा अभी है, मान लो मैं 1 mm का थिकनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बार आ रहा है 1.2 mm का, ठीक है। अब 1 mm का थिकनेस है शीट का, और जो बार के साथ थिकनेस की हाइट है 1.2 है, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 1.2 से, तो कितने का आता है, यहाँ पे बन के आता है 0.83 का, ठीक है।
अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 83.3% आपका बन के आता है। तो आप बताइए ये क्या चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम 100 से 83.3 को माइनस कर देते हैं 83.3, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 83.3, मैं मोबाइल में कर देता हूं, तो ये बन के आता आपका 16.7% का। तो 16.7% दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको जब भी बार करते हो, जब भी डाई बनाते हो, तो सबसे पहले डाई बनाने के बाद जब आपकी कंपोनेंट में ट्रायल होता है, ट्रायल में आप जाते हो कि नहीं, तो आपको ये सब चीजें सेक करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें सेक नहीं करोगे, बाद में डाई में रिवर्क जाएगा कि दोबारा फिर टूल रूम में जाएगा, इसमें रिवर्क करो, डिजाइन में बोलेंगे कि देखो तुमने कितना क्लियरेंस वगैरह रखा है, इसको सेक करो। तो जब भी आपकी डाई बन के आते, जब आप ट्रायल पे जाते हो, तो ये सब चीजें आपको सेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूं। अब हम आते हैं कितना होना चाहिए, मतलब देखो जो कंसीडरेबल बार होता है एज पर थिकनेस पे कितना मेंटेन होना चाहिए। अब आते मेन टॉपिक में, अभी आपको बिना कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। अगर आपकी शीट की थिकनेस 0.8 mm है, जो आप शीट मेटल की शीट यूज कर रहे हो, जो भी है एमएस का, एसएस का, जो भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे 8 mm का अगर थिकनेस है, तो अगर उसमें बार आ रहा है, मान लो 0.8 mm है, ठीक है, थिकनेस है, अब प्लस बार के साथ थिकनेस आपने मापा माइक्रोमीटर से या वर्नियर से, तो आपके कितना आ रहा है, यहाँ पे 0.2, तो आपके यहाँ पे 1 mm आ जा रहा है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। मतलब 0.8 mm अप टू थिकनेस, मतलब मैक्सिमम 0.8 mm थिकनेस तक अगर 0.2 बार आता है ना, तो एक्सेप्टेबल है। और 0.2 ये मैक्सिमम रेट है, अगर आपका 0.1 आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो देखो दोस्तों, ये भी देखना होता है आपको, क्योंकि कहीं पे लूज बार आता है, कहीं पे टाइट बार आता है। आपको ये सब चीजें जो होता है, जब डाई डिजाइन करोगे ना, तो जैसे मैंने आपको यहाँ वीडियो में दिखाया, उसमें आपको प्रॉपर टॉलरेंस वगैरह देना पड़ेगा, अगर आप डिजाइन से हो। अगर आप टूल रूम से हो, अगर कोई टूल ट्रायल होता है, तो आपको ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। अगर डिजाइन से भी हो ना, तो भी आपको करना पड़ेगा। अगर सीट थिकनेस की बात करो 0.8 mm से लेके 3.2 mm तक, 0.8 mm से लेके 3.2 mm तक अगर सीट की थिकनेस है आपका, और इसमें मैक्सिमम बार जो आएगा ना 0.3 mm आएगा, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपका शीट की थिकनेस अगर 2 mm है, तो यहाँ पे बार आपका जो आएगा 0.3 mm का, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर शीट थिकनेस आपका 3.25 mm से ज्यादा है, अगर शीट थिकनेस आपका 2.3 mm से ज्यादा है, तो आपका मैक्सिमम बार आ जाएगा 0.4, उससे ऊपर आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप जो है 10% वाला जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला 10% जो आपको फॉर्मूला लेके बताया मैंने आपको, एक सेकंड, तो आपको जो है 10% लेके बताया, इस फॉर्मूला से आप करके इसको एक्यूरेट मेंटेन कर सकते हो। तो ये था बार के ऊपर, आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत स्टूडेंट मुझे, बहुत जो है कंपनी की लोग होते हैं जो मुझे पूछते रहते हैं, सर इसमें बार आ रही है, इसको कैसे मिनिमाइज करूँ, कैसे सेक करूँ, कितना परसेंट बार होना चाहिए, कैसे मेरा डाई एक्सेप्ट होगा, मैंने सर टूल तो बना दिया, इसमें थोड़ा सा बार का प्रॉब्लम आता है। देखो आज के टाइम में डाई कोई भी बना सकता है, डिजाइन कोई भी बना सकता है, लेकिन जो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसको मिनिमाइज करना ही आपका काम होता है। जो जितना लेवल पे ये सब चीजें हैंडल कर पाएगा, उसकी सैलरी वैसे हाई होगा, उसकी सैलरी वैसे इंक्रीज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाई के साथ आपको ये सारा पैरामीटर भी ध्यान रखना है, और जरूर आप ये वाला वीडियो देख लो, इसमें आपको पता लग जाएगा कि क्लियरेंस वगैरह हम कितना करना है, कितना परसेंट रखना है, कम रखेंगे तो क्लियरेंस क्या होगा, ज्यादा क्लियरेंस रखेंगे तो क्या होगा, तो ये सब चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आई होप सारा चीजें आपको समझ में आ गया। किसी को भी कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस तरीके से वीडियो चलता रहता है मेरा, और नया जो है बेस्ट स्टार्ट होने वाला, जिसको भी एडवांस लेवल पे डाई डिजाइनिंग वगैरह सीखना है या प्रोग्रेसिव डाई वगैरह सीखना है, इसे नंबर मेंशन दे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तब तक बाय बाय, जय हिंद।